मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व शाम की सभा में अपन न्याय मंदिर की कक्षा लेंगे। न्याय मंदिर सरल भाषा में कहते न्याय, न्याय तो नाम तो सभी होगा न्याय। कोर्ट में काय के लिए जाते अपन? न्याय के लिए। जैन मंदिर काय के लिए आते हैं? न्याय के लिए। स्वाध्याय क्यों करते हैं? न्याय के लिए। तो आइए आज अपन न्याय मंदिर पढ़ेंगे। नाम इसका न्याय मंदिर है। मंदिर का सिंपल सा अर्थ होता है घर। मंदिर का मतलब होता है घर, लेकिन अपन मंदिर का मतलब जीव मंदिर समझते हैं। तो जिनेन देव का घर माने मंदिर, जैन मंदिर, जिन मंदिर कहलाता है जिन मंदिर। और जैन लोग जिस घर में रहते हैं वो कहलाता है जैन मंदिर। अब अपन लोग न्याय में पढ़ोगे ना आप, तो इसको कहेंगे जिन मंदिर, और जहां आप रहते हो घर में उसका नाम है जैन मंदिर। याद रह जाएगी बात। बहुत आपको ये समझो, 5 साल में जो पढ़ाई आज इनको शास्त्री वालों को मिल रही, फाइनल वालों को, वो आपको पहली साल में मिल रही। बहुत काम की चीजें आने वाली हैं। मैं ऐसे में बहुत आपको पढ़ाई ज्यादा करानी है, मैं 2 महीने का विषय 10 दिन में पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए नोट्स बड़े हैं। और जो फाइनल वाले हैं वे लोग बहुत ही ध्यान से सुने, चाहो तो आगे आ जाओ। अभी अपन 1 घंटा मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? करें शुरू कक्षा, अब कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा। चलिए रेडी रहिए। देखिए न्याय मंदिर में संधि विच्छेद किया सबसे पहले, नी प्लस आए, बोध की ओर ले जाना। न्याय का मतलब होता है बोध की ओर ले जाना। आए माने तो समझते ही हो, नी धातु एक नए धातु ले जाने के अर्थ में है। तो ले जाना, क्या ले जाना? बोध की ओर ले जाना माने सम्यक ज्ञान की ओर ले जाना। रुक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अज्ञान की ओर ले जाना नहीं है, सम्यक ज्ञान की ओर ले जाने का नाम न्याय है। क्या बोला हमने? सम्यक ज्ञान की ओर ले जाना वो न्याय है। अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत से सत की ओर, अहित से हित की ओर, दुख से सुख की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, संसार से मुक्ति की ओर ले जाना, इसका नाम है न्याय। याद रह जाएगी, बहुत सारी बातें कह दी इसने। इस पर प्रवचन किया जा सकता है 1 घंटा। हम उस न्याय को न्याय नहीं कहते जिसमें मोक्ष ना हो। हम उस न्याय को न्याय नहीं कहेंगे जिसमें हमारा मोह राग द्वेष दूर ना हो। उस न्याय को हम न्याय नहीं कहेंगे जिसमें हमारा अज्ञान दूर नहीं हो। इधर उधर क्यों देख रहे हो बेटे? समझ में नहीं आएगा वो, बिल्कुल फिर कठिन पड़ेगी चीज। बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई कठिन लग रही है तो बोलो, एक साथ बोलो जरा। बोध की ओर ले जाना अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत से सत की ओर, अहित से हित की ओर, दुख से सुख की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, संसार से मुक्ति की ओर। अपने उपयोग को उपयोग बांध में ले जाना, मैं आत्मा हूं, ये है न्याय। दृष्टांत दे रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। लिखो मत बेटे, हम लिखा हुआ दे देंगे आपको, केवल आप समझे। मैं आपको 10 मिनट और खोल के छोड़ दूंगा, आप पढ़ लेना, लिख लेना, पेपर्स ले लेना आप हमसे, लेकिन पहले समझने की पूरी कोशिश करो। दुनिया में सुखी होना हो तो हमें क्या क्या चाहिए? 11th वाले बच्चे बताएंगे, हमें सुखी होना तो क्या क्या चाहिए? अच्छी इनकम, पत्नी, घर और गाड़ी भी चाहिए, सही बात है, टीवी, पैसा, मोबाइल। हाँ मोबाइल तो पहले ही चाहिए। अब ये अन्याय है,
ये अन्याय है। सुख के नाम पर हमें आत्मा याद आई, ये न्याय है। सुख के नाम पर हमें ज्ञायक याद आए, आत्मा याद आए, ये न्याय है। अनादिकाल से अन्याय हो रहा है हमारे साथ। आदि पत्नी में सुखी हो रहे होते तो सारे लोग सुखी हो गए होते। यदि टीवी से सुखी हो रहे होते तो सारे लोग टीवी से सुखी हो जाते। पैसा से सुखी हो रहे होते तो चक्रवर्ती से सुखी हो ही जाता। अब तो समझ में आया आपको? अब बताओ, अन्याय और न्याय में क्या अंतर किया आपने? कौन बोलेगा बच्चों में से? वेरी गुड, बोलो बेटे, अन्याय और न्याय में क्या अंतर हुआ? जो हमें सुखी और नहीं ले जा रहा है संसार में, परिभ्रमण का अन्याय है। हाँ, जो हमें मुक्ति को ले जा रहा है, दूर हटा रहा है। हाँ, ये तो उसमें लिखा था पहले से। अब अभी क्या बोला हमने? बेटी कोई बात नहीं। हाँ बोलो बेटे, बैठे बैठे बोलो, कोई बात नहीं। सुख के नाम पर आत्मा याद आ जाए। हाँ, सुख के नाम पर भाई वस्तु याद। हाँ, ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो गया। हम पंडिताई भी काय के लिए कर रहे हैं? पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, स्वर्ग मिल जाए, वाह मजा आ गया। पंडित जी भगवान की पूजा करके हमें स्वर्ग मिल गया, मजा आ गया। तुम्हें मजा आ गया? यहाँ कह रहे हैं अन्याय हो गया। समझ में आ गया? अन्याय हो गया। तो आप तो याद हो गया वो थोड़ा सबको। न्याय किसका नाम है? जहाँ सुख के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, आनंद के नाम पर आत्मा याद आए। दूध मीठा करना हो तो क्या याद आता तुम्हें? शक्कर। और खीर मीठी करना हो तो, और जलेबी मीठी करना हो तो, और मुंह मीठा करना हो तो, बस बहुत बेकार आदमी हो। जब देखो जब शक्कर शक्कर शक्कर, कुछ और याद करो। हाँ, अरे जब मिठास के नाम पर शक्कर याद आती है, ऐसे ही अतिंद्रिय आनंद, सुख कहो, ज्ञान कहो, दर्शन कहो, चारित्र कहो, वीर कहो, मोक्ष मार्ग कहो, हमें भगवान आत्मा याद आए, इसका नाम न्याय। अब तो याद रहेगी बात। चलो आगे देखते हैं। इस समझ रूप परिणमना, हाँ पहले अपने उपयोग को उपयोगवान में ले जाना। उपयोग को, उपयोग को गेहो में मत ले जाओ, उपयोग को टीवी मत ले जाओ, उपयोग को दुनिया में मत ले जाओ, उपयोग को उपयोगवान में ले जाना। समझ में आया आपको? मैंने घड़ी नहीं देखी, राइट 8 बजे शुरू कर दिया था क्या आपने? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो उपयोग को उपयोगवान में ले जाना क्या? कि मैं आत्मा हूं। अपने उपयोग को इस समझ रूप परिणमना ही न्याय है। मुझे अंडरलाइन कर लेना मन दिमाग में, ये समझ जिस दिन पैदा हो गई उस दिन न्याय होगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये लाइन सबसे पहले, कि न्याय के नाम पर कुछ पिक्चर और है मार्केट में। न्याय का मतलब तो ये है असली। अभी तक आपने जो न्याय पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, पढ़ा ही होगा, खंडन मंडन, बौद्ध ऐसा कहते हैं, सांख्य ऐसा कहते हैं, वेदांत ऐसा कहता है, जैन ऐसा कहते हैं, लेकिन हम बोस न्याय की बात नहीं करते। ये जैन न्याय मंदिर है, समझ गए? तो यहां न्याय का अर्थ इस तरह से लगाना, मैं इस समझ रूप परिणम जाना ही न्याय है। जिसका है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसका है उसी में लगाना न्याय है। जिसका है उसी में लगाना न्याय है। क्या मतलब? हाँ, आत्मा का ज्ञान आत्मा में लगाना न्याय है। आत्मा का ज्ञान आत्मा में लगाना न्याय है। पिताजी का पैसा पिताजी की सेवा में लगा देना न्याय है। पड़ोसी का पैसा पड़ोसी की सेवा में लगा देना न्याय है। हम अपना ज्ञान कमाने में लगा दीजिए, अन्याय है। हम अपना ज्ञान भोगों में लगा दीजिए, अन्याय है। जिसका है उसमें लगाओ। समझ में आ गया आपको? बहुत प्रोजेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है 1 घंटे में मुझे 6 पेज पढ़ानी है। फास्ट चलेंगे, केवल आपकी समझ विकसित हो जाए, फिर बहुत आनंद लेंगे इसमें अपन से। फिर से पुण्य की सामग्री को पुण्य में लगाओ, पुण्य के उदय की सामग्री को भोगों में मत लगाओ। क्या कह दिया? पुण्य का पुण्य में लगाओ। क्या मतलब? ये न्याय है। और पुण्य की सामग्री को भोगों में लगा दें तो अन्याय है। समय शिखर जी में जाओ और बढ़िया धर्मशाला में ठहरो और वहां पे ताश खेलो, जुआ खेलो, उल्टे सीधे काम करो, डीजे पे डांस करो, ये न्याय है कि अन्याय है? धर्म के क्षेत्र में धर्म में लगाओ, ये न्याय है। याद रहेगा पॉइंट? जिसका है उसमें लगाओ। बहुत बढ़िया, आगे चलो। ज्ञान को ज्ञायक में लगाना,
पुण्योदय को पुण्य में दान का दान में लगाना न्याय है। संस्कृत व्युत्पत्ति थोड़ा ऊपर सरकाएंगे इसको। संस्कृत व्युत्पत्ति क्या है पढ़िए बेटे संस्कृत। संस्कृत की अर्थ कर सकते हो इसमें से? हाँ बोलो। थोड़ा नीचे देखिए, नीचे लिखा है अर्थ लिखा हुआ है, थोड़ा सरकाओ बेटे ऊपर। हाँ, जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप को भली भांति जाना जाए वह न्याय है। न्याय का नीते ज्ञायते वस्तु तत्व एंस न्याय। क्या मतलब? जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप को भली भांति जाना जाए। ऐसा मन नाचने को कर रहा है कि यही समझाया जाए। वस्तु स्वरूप जानने का नाम न्याय है। क्या लिख रहे हैं? वस्तु स्वरूप को भली भांति जानना ये न्याय है। एक बार फिर से बोलो, वस्तु स्वरूप को भली भांति को छह डाला जी में लिखा है, ज्यो का त्यों सर ध्यानो। भली भांति का मतलब ज्यो का त्यों सर ध्यानो। क्या मतलब? कि वस्तु स्वरूप बताओ आप क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। सरलता से कहें तो द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को समझ जाना ये न्याय है। अभी समझ में नहीं आया वो इलेवंथ वालों को? द्रव्य गुण पर्याय को समझ जाना ये न्याय है। थोड़ी देर सरल कर दूंगा, आज तो बहुत ही कठिन हो गया, थोड़ा सरल कर देती हूँ। आपको इधर दिक्कत है? इधर आ जाओ, इधर अपन थोड़ा सरका है, जगह है, इधर आ जाओ। इसको समझना ध्यान से, इलेवंथ वालों बच्चों को समझा रहा हूँ, ठीक? नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करना, क्यों जिंदगी में पहली बार न्याय पढ़ रहे हो आप। देखो क्या कह रहे थे, वस्तु स्वरूप को भली भांति जानना ये न्याय है। क्या कहा? वस्तु स्वरूप को भली भांति जानना ये न्याय है। जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप को भली भांति, भली भांति माने ज्यों का त्यों, द्रव्य गुण पर्याय। वस्तु स्वरूप में क्या आती है? तीन चीजें, द्रव्य गुण पर्याय। अच्छा, इलेवंथ वाले बच्चों को तकलीफ नहीं हो रही कुछ? द्रव्य समझते हो? द्रव्य किसे कहते हैं बेटे? हाँ शाबाश। और गुण की क्या होती है? पर्याय। गुणों की क्या होती है? पर्याय। अब द्रव्य गुण पर्याय को समझो, ध्यान से सुनना। जीव द्रव्य यहाँ है और गुण यहाँ है, और पर्याय कहाँ होगी? वो भी इधर ही होगी। लेकिन इस जीव को क्या लगता है? मेरा सुख वहां है। पता भैया, शास्त्रों में ज्ञान है कि नहीं? बोलो भैया, शास्त्रों में ज्ञान है कि नहीं? तो रुको, जीव यहाँ और जीव का ज्ञान गुण यहाँ, और ज्ञान की पर्याय कहाँ होगी? इधर होगी, उधर होगी। लेकिन वो यार इसको ऐसा लगता है हमारा ज्ञान वहां है, और टीवी में सुख है और पैसा में सुख है। तो ये अपना जीव तो यहाँ मानता है और गुण भी यहाँ मानता है, और पर्याय कहाँ मान रहे हैं? तो अन्याय हो गया। बराबर समझ आ गया आपको? एक सरल दृष्टान दे रही इलेवंथ वाले बच्चों को, एक सरल दृष्टान। हमारे यहाँ एक किराएदार थे पंजाबी, तो वो बोले हमारे घर में 100 ग्राम घी पूरी जिंदगी चलता है। कितना कितना ग्राम घी? 100 ग्राम घी पूरी जिंदगी चलता है। तो हमने ऐसे कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा हमारे पास ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी है, कांच की, और उसमें 100 ग्राम घी रख दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब एक एक रोटी पर हम 100 ग्राम घी चिपड़ते हैं। समझ में नहीं समझ में आया? कैसे चिपड़ देते हैं? वो शीशी घुमाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? ऐसे कैसे घी खाओगे? घी खाना थोड़ी कहलाएगा इसका नाम? समझ में आया? तो द्रव्य गुण पर्याय, हमारा ज्ञान दर्शन सुख हमारे पास है, ये वस्तु स्वरूप को भली भांति जान लेना, तब ये भ्रांति मिट जाएगी, हमारा सब ज्ञान बाहर है। अब इसी पैटर्न पे अपनी पूरी पढ़ाई चलेगी। ध्यान रखना, अब हम न्याय मंदिर में आपको बेसब परिभाषाएं पढ़ाएंगे जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और उसमें से अर्थ ही घटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बराबर है? आगे चले। मंदिर का मतलब क्या होता है? देखिए नीचे लिखा है मंदिर। मंदिर माने घर,
स्थान आयतन वास, जिसको अपन न्याय निवास कहते हैं, निवास वास। न्याय मंदिर माने कोर्ट, गुजराती में आज भी कोर्ट को न्याय मंदिर बोलती है। कभी आप बड़ोदरा जाएंगे तो बड़ोदरा में आप देखेंगे कोर्ट के सामने लिखा है न्याय मंदिर, अभी भी लिखा है। माने गुजरातियों में न्याय मंदिर लिखते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट। तो जेएनयू की कोर्ट कहाँ है? समोसरण। हमारी कोर्ट कहाँ है? समोसरण। ग्रंथ, ग्रंथ सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रतिक्रमण, इतनी चीजों को हम न्याय मंदिर कहेंगे। इतनी चीजों को, क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिक्रमण माने दोष मिटना। प्रतिक्रमण का मतलब होता है, क्या बोला बेटे, प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? दोषों का मिटना। वो हमारा सम्यक ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। कठिन तो नहीं सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान? सम्यक ज्ञान और आत्मज्ञान का फल है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब हमारे भूतकाल के दोषों का मिटना। मिटना तो कहते हैं वास्तव में उससे भिन्न अनुभव करना। ठीक, अभी लिखो नहीं बेटे, मैं चाहूंगा आप लिखो बिल्कुल नहीं, पी जाओ इसको बिल्कुल। आपको नहीं, एक शब्द याद नहीं होगा और आप एक कॉपी लिख रहे हैं ना, उसे याद भी नहीं कर पाओगे। मैं इतने आसानी से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपको यही याद करा दूंगा, बस बिल्कुल मत लिखो, आप तो बाद में सब समझ में आएगा आपको। चलिए, इसके अपर्णा थोड़ा और ऊपर करेंगे हम इसको चार्ट को। न्याय मंदिर के अपर्णाम, अपर्णाम तो समझते होंगे सभी लोग, पर्यायवाची नाम है ना। तो क्या क्या नाम है अभी ध्यान से सुनना। न्याय मंदिर मैंने अपन न्याय करने के लिए आए हैं, तो न्याय कैसे करोगे? परीक्षा करनी पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगी। टोटो में जी सामने लिखा है परीक्षा प्रधानी को भला कहा है, याद होगा? आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को भला कहा है। इलेवेंथ वाले बच्चे बोलो, क्या बोला? आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को भला कहा है। इसका क्या मतलब? जिन जीवों को सम्यक दर्शन चाहिए उन्हें सुख के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, आत्मा के नाम पर परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा नहीं करोगे तो मारे जाओगे। आई बात समझ में आई आपको? बोलूं थोड़ा सा, पूछूं एक आध बार, यदि कोई देवता नाराज हो जाए तो अपने को कहां जाना चाहिए सुखी होने के लिए? देवता को नरियल चढ़ाने जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए बोलो? अगरबत्ती घुमाने जाना चाहिए? कोई देवता नाराज हो जाए तो क्या करोगे आप? पीपल की पूजा करेंगे, गले में क्या डाल देंगे, हार क्या लगाते हो, काला धागा? आप लोग तो नहीं पहनते काला धागा? बहुत बस अच्छी बात है भाई, परीक्षा करो ना, परीक्षा करो। काला धागा कैसे बचा लेंगे? एक काम करो, दूध में जहर डालो और गिलास के ऊपर एक काला धागा बांध दे और पी लो, तो क्या होगा? क्या होगा? दूध में जहर डाला, जहर तो समझते हो पॉइजन, और अपन उसके ऊपर काला धागा बांध दिया और नमकान मन पड़ गए और फिर पी लो, तो क्या होगा? ऐसे कैसे मर जाएंगे? नमकान मन कुछ नहीं करेगा बोलो, वो काला धागा कुछ नहीं करेगा, पक्का? तो न्याय हुआ, जो व्यक्ति अभी भी ग्रहित मिथ्यात में जा रहे हैं वो परीक्षा नहीं करते। ग्रहित मिथ्यात में जाने वाला व्यक्ति, दुकान पे वो नींबू टांगने वाला, तुम्हारे टांगती नहीं टांगती नींबू और मिर्ची? बांसवाड़ा में कोई नहीं टांगता? अच्छा, बांसवाड़ा में कोई टांगता है तो जे है वो तुम्हारा अन्याय। परीक्षा करो, फिर से सुनो, जैन दर्शन कहता है आज्ञा प्रधानी को अच्छा नहीं कहा। हाँ बोलो बेटे, डायलॉग क्या बोला था मैंने? आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को भला कहा है। इसका मतलब हमको परीक्षा करनी चाहिए, इस बार हम खूब परीक्षा करेंगे, हर चीज को एग्जामिन करके देखेंगे। तो क्या कहा? परीक्षा, एक शब्द देखो, जिनवाणी में न्याय करने की जब भी चर्चा है, ध्यान से सुनना, आपने कई बार ऐसा लगता हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो न्याय की चर्चा ही नहीं है, कि नहीं नहीं, पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक न्याय का है। देव की परीक्षा करी, गुरु की परीक्षा करी, सास की परीक्षा करी, गुणस्थान की परीक्षा, हर चीज की परीक्षा करी उसमें, नयो तक की परीक्षा करी, देखा नहीं आपने? तो परीक्षा ही है। उसके लिए एक अनवीक्षा शब्द है, अनवीक्ष की शब्द है, युक्ति, युक्ति एक शब्द है, समीक्षा करना भी
परीक्षा के अर्थ में है। तर्क विद्या, वाद विद्या, हेतु विद्या, हेतु मार्ग, न्याय, नीति, नीति, औचित्य, विवेक, परख, विचार और चिंतन, इतने सारे वर्ड अपर नाम है। अर्थात चारों योग में जहां कहीं भी इनमें से कोई शब्द मिल जाए आपको, विचार करो, देखो तत्व विचार की महिमा, वहां न्याय आ गया है ना, लिखा है ना तत्व विचार की महिमा, इसका मतलब हम परीक्षा करना है आपको। विचार का मतलब केवल इतना से नहीं है, हम तो विचार कर रहे, बोले क्या विचार कर रहे कि हम आत्मा है, क्या विचार कर रहे, ऐसा विचार का मतलब नहीं है। विचार मतलब बोलो परीक्षा, विचार का मतलब परीक्षा, परीक्षा समझ गए। तो इतने सारे शब्द हैं। अब परिभाषा देख रहे नीचे अपन, जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। आगे चलिए ऊपर करो बेटे, ऊपर करिए, शाबाश। अब लक्षण, न्याय का लक्षण देखिए, न्याय का लक्षण, न्याय का लक्षण देखिए आप। न्यायी, ध्यान से सुनो, न्याय हुआ कि नहीं हुआ, न्याय हुआ कि नहीं हुआ, इसकी पहचान कैसे होगी कि जिसे न्याय मिलेगा वो सुखी हो जाएगा। पॉइंट नोट किया जाए, लिखना नहीं हो, लिखना नहीं लिखना नहीं, मेरे बोलने की शैली है, पॉइंट नोट किया जाए क्या, रुको हम बता रहे, यदि हम सुखी नहीं हुए तो अन्याय हो रहा है, आपकी स्वाध्याय से अन्याय हो रहा है। बोलू कुछ लोग 6-6 घंटा स्वाध्याय करते हैं और आखिरी में ऐसे उठते हैं, देखो भैया दर्शन हुए का उत्सव हुए तो सम्यक दर्शन हुए 6 घंटा स्वाध्याय करके वो दुखी होके उठा, इसका मतलब अन्याय करके उठा, परीक्षा में फेल हो गया वो, क्योंकि वो परीक्षा में फेल होगा वो दुखी होगा, इसका मतलब जो दुखी है वो परीक्षा में फेल है। न्याय का फल क्या हुआ, न्याय का लक्षण क्या हुआ, सुखी। अन्यायी पुण्योदय में भी दुखी होता है, लेकर जब बहुत इसमें प्रवचन हुए बहुत बड़े बड़े, मैं तो आपको 10 दिन में पढ़ाना, इसलिए फास्ट पढ़ाने के लिए लिख के लाया हूं, नहीं तो मैं आपको कहूंगा कि बाद में इसके प्रवचन सुनना बहुत। अन्यायी, हाँ अन्यायी, अन्यायी जीत करके भी, अन्यायी लोग विवाह की भाषा में जीत करके भी दुखी होता है। आपको पता है मिथ्या दृष्टि पुण्य के उदय में भी दुखी होता है, सम्यक दृष्टि पाप के उदय में भी सुखी होता है। क्या बोल गए, कुछ गलत तो नहीं बोल गए, क्या बोले बेटे, बोलोगे बेटे, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पुण्य के उदय में भी दुखी होता है, अन्यायी है ना वो, अन्यायी है, और धर्मात्मा पाप के उदय में भी सुखी होता है। ऐसे कैसे हो सकता है, पाप के उदय में कोई सुखी हो सकता है, बोलो है? हाँ परीक्षा करके तो कैसे सुखी हो जाएगा, कोई प्रैक्टिकल करके बताओगे आप कि पापी पुण्य के उदय में भी दुखी। जैसे एक दृष्टांत दें, एक तृष्णा है, पापी माने तृष्णा, तो अब शादी विवाह में गए और बहुत बढ़िया प्लेट नाश्ता मिला, बहुत टेस्टी, तो ही वो दुखी हो जाता है, अरे यार ये कहीं प्लेट खा पाए मैंने वो पुण्य के होते में अच्छी सामग्री मिली, टेस्टी भोजन मिला, नाश्ता मिला, लेकिन तो भी दुखी ऐसा। अब पुण्यात्मा पाप के उदय में भी सुखी, पुण्यात्मा नहीं धर्मात्मा, धर्मात्मा सम्यक ज्ञानी पाप के उदय में भी सुखी। वैसे तो दृष्टांत दूंगा मैं श्रेणी महाराज का, कि नरक में भी सुखी है, नरक में भी बाहर नारक क्रत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी, जी क्या कमाल है, सुख भोग रहे आनंद भोग रहे। लेकिन हम आपको ऐसे सरल दृष्टांत दे रहे हैं कि पाप के उदय में भी 700 बरस तक कोड रहा मुनिराज को, वादीराज मुनिराज का ना एक सनत कुमार चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती को भी 700 बरस कोड, लेकिन आनंद में थे। क्यों, पाप के उदय में भी जो न्याय करता है, न्याय करता है का मतलब वस्तु स्वरूप का विचार करता है, वस्तु स्वरूप लिखा ना, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान करने वाला कभी दुखी नहीं होता, बराबर है, बराबर। सरल दृष्टांत हूं, क्यों ये दृष्टांत तुम्हें याद नहीं रहेंगे, ध्यान से सुनना बेटी, इधर देखो हम क्या है तुम्हारे हाथ में, कुछ नहीं तो तुम्हारी नजर हमारे पास होना चाहिए, मुझे देखो। एक दृष्टांत, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया,
कैंसर हो गया, अब उसका ऑपरेशन में 6 महीने तक उसको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो पाप का उदय आएगा कि पुण्य का उदय? पाप का उदय। तो ऑपरेशन करवाएगा कि नहीं करवाएगा? क्योंकि ऑपरेशन करवाएगा तो देखो, एक पाप का उदय तो आएगा कि 25 लाख रुपए लगेंगे, दूसरा पाप का उदय आएगा कि 5 बोतल खून लगेगा, तीसरा पाप का ये उदय होगा 6 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो बोलो, वो ऑपरेशन करवाएगा कि नहीं करवाएगा? ही तीन तीन पाप के उदय आ रहे हैं, 25 लाख बचाओ, शांति से मरो। 25 लाख बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और वो क्या कहला है, क्या कहला है, वो खून भी नहीं चढ़ाना पड़ेगा और 6 महीना बेड रेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। बोलो क्या करेगा वो? कि पंडित जी हमें सारे दुख मंजूर हैं। क्यों? उसे सम्यक ज्ञान है। क्या ज्ञान है? मैं ठीक हो गया तो आराम से जीऊंगा, तो उसे ठीक होने का ज्ञान है, इसलिए इतने पाप के उदय में भी 6 महीने का बेड रेस्ट में उसे तकलीफ नहीं हो रही। डायबिटीज वाले को पाप का उदय है, शक्कर मत खाओ, नहीं खुश होता है, शक्कर नहीं खा के भी खुश होता है। क्यों? भैया अच्छा हुआ डॉक्टर ने बता दिया, नहीं तो हम तो शक्कर खाते हैं मर जाते हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर ने बता दिया। क्या बता दिया? शक्कर मत खाना। ले पाप के उदय में भी सम्यक ज्ञानी दुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। न्यायी सुखी होता है, अन्यायी पुण्योदय में भी दुखी होता है। दुखी स्वयं का अन्यायी है, दुखी व्यक्ति है ना, दुखी का क्या लिखा, क्या लिखा, दुखी स्वयं। हाँ जी, समझो जी, बहुत अच्छा शब्द है, दुखी स्वयं का अन्यायी है। थोड़ी देर बाद मैं खुलासा करूंगा, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना आप। दुखी स्वयं का अन्यायी है, फिर से बोलू कुछ, दुखी विश्व में इसे कोई दुख नहीं दे रहा, लेकिन मिथ्या दृष्टि फोकट में दुखी होता है, इसलिए अन्याय करता है। कुछ समझ आया? विश्व में कोई इसे दुख नहीं देता, लेकिन ये उल्टी उल्टी बातें सोच के स्वयं दुखी होता है। जैसे जैसे दृष्टांत दू, सरल दृष्टांत देता हूं ताकि याद रह जाए आपको। पत्नी पति को बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी, समझ गए, पत्नी पति को बहुत चाहती थी, लेकिन पति का मूड खराब रहता था। तो पति का मूड खराब था, बहुत टेंशन में था, मई जून की गर्मी थी, तो वो घर आया भोजन करने, तो पत्नी ने रोटी में लबालब घी डाला बढ़िया, और दाल में भी घी डाल दिया, सब्जी में भी घी डाल दिया। क्यों? मई जून की गर्मी है, मूड खराब है, परेशान है, रात रात भर नींद नहीं आ रही, तो बता उसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। कायदे से खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बोलो। लेकिन वो देखते ऐसे ही दुखी हो गया। मिटा डालो, लोटा डालो, हम कैसे कमा रहे हैं, तुमने तो घी डाल दिया, इतना इतना घी खाता है क्या कोई, हमें अब समझ में आ रहा है इतना घी कहाँ चला जाता है। वो चिल्ला चौड़, अब बताओ यहाँ पत्नी ने दुखी किया कि कर्मों ने दुखी किया इसको? पॉइंट नोट किया जाए कि दुखी स्वयं का ही अन्याय है, दुखी होना ही अपने साथ अन्याय है। आत्मा के पास दुख का कोई कारण नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? तुम्हारे पास दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी होते हैं, ये अन्याय है। चलो आगे, चलो आगे, देखो आगे क्या लिखे। न्याय की मांग अन्याय दूर करने के लिए की जाती है। न्याय की मांग, समझ गए मैं थोड़ा थोड़ा भाव। जो दुखी है वो न्याय की मांग करेगा, न्याय की मांग करेगा, कोई अच्छी भाषा में बोलेगा, परीक्षा की मांग करेगा, अर्थात परीक्षा करेगा। आपने देखा होगा दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो तीसरे के पास जाते हैं, भैया तुम न्याय करो, तो वो न्याय कैसे करता है, परीक्षा करता है, तुम बोलो, तुम अपना पक्ष रखो, तुम अपना पक्ष रखो, तो वो न्याय कर देता है, मतलब परीक्षा करता है। ध्यान रखना, तुम्हें सुखी होना हो तो परीक्षा करना आना चाहिए। क्या कहा हमें? सुखी होना होता, क्या बोला हमने? परीक्षा करने का मतलब बताओगे कुछ? मैं बता चुका हूं, अपना सुख अपने में निर्णय करना आना चाहिए, अपना ज्ञान अपने में है, ये निर्णय करना आना चाहिए। पर कि ऐसे ऐसे सुख दुख मानोगे तो अन्याय होगा, बराबर? चलो चलो आगे बढ़ दिए। न्याय करना नहीं है, न्याय करना नहीं है,
समझना है, न्याय करना नहीं है, वो तो सदा क्या बोला एक बार फिर बोले जरा, न्याय करना नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार रहा है, अब न्याय करना है कि हो ही रहा है? एक आदमी को मार्केट में बिजनेस में लॉस हो रहा है तो न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? बोलो। एक आदमी बीमार हो गया है तो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? इसमें आगे लिखा मिलेगा, देखो अभी बोल दूं, पहले ही विश्व में एक भी पर्याय में अन्याय नहीं होता। विश्व में कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी के भी साथ अन्याय नहीं होता। क्या बोला क्या बोला? विश्व में कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ कैसे भी एक भी समय में अन्याय नहीं होता। सीता को जंगल में निकाल दिया था कौन ने? लक्ष्मण ने कि राम ने? कौन ने निकाला था? राम ने। बताओ सीता की क्या गलती थी बेचारी? कोई गलती नहीं थी, निर्दोष थी, है ना? निर्दोष थी ना सीता, इसीलिए निकाल दिया था ना? बोलो बोलो, सीता निर्दोष थी ना इसीलिए निकाला था ना? बोलो ना। अंजना निर्दोष थी बेचारी, फिर भी सास ने निकाल दिया, सही है ना ये बात? बोलो ना। हाँ नहीं? अभी क्या बोला था? विश्व में कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ कोई माई काला पैदा नहीं हुआ अन्याय करने वाला। ऊपर क्या लिखा था? दुखी स्वयं का अन्यायी है। विश्व में कर्म तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करते, शत्रु तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करते। अभी बच्चों को कई बार ऐसी शिकायत रहती है, आपको भी रहती होगी, पंडित जी हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ, मैं सब लिख के आया था लेकिन टीचर ने नंबर काट लिए। भाई साहब अन्याय नहीं होता, टीचर ने नंबर काटे हैं तो तुम्हारी गलती होगी। पंडित जी हमारी क्या गलती थी, हम तो जबरन कैंसर के शिकार हो गए। अच्छा ऐसा भी होता है कहीं? तुम्हारी गलती ना हो बीमार हो जाओ, ऐसा हो सकता है कभी? तुम खाने पीने में चबा चबा के मत खाओ, ठूस ठूस के खाओ, मीठे मीठे आइटम खूब खाओ, घी डाल डाल के खाओ, एक किलो रबड़ी मिली तो पूरी खींच गए। मतलब बीमार का फोकट में होता कोई? भाई बीमार हुए हो ये न्याय है। न्याय समझ में आया? मैं कुछ नई बात बता रहा हूँ आपको। अभी तक हमें न्याय काय का नाम लगता है कि हमारे पक्ष में डिसीजन आ जाए, इसका नाम न्याय है। जी नहीं, पाप का उदय भी न्याय है और पुण्य का उदय भी न्याय है और मोक्ष जाना भी न्याय है। क्या क्या बोला यार, फिर से बोलो बेटे। पाप का उदय भी पुण्य का उदय भी और मोक्ष जाना भी। फिर से बोलो एक लाइन। विश्व में कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पंडित जी हम अच्छे खासे प्रवचन सुनने आए, हमारी चप्पल चोरी चली गई। अब तुम्हें सब तुम सोचो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? यहां से कैसे न्याय हो गया? यहां से तो हर कोई चप्पल ही चोरा ले जाएगा, यहां से तो हम हर बार लुट जाएंगे। क्यों भाई साहब, आपको सुखी होना है कि नहीं होना पहले ये बता। जो होता है वो न्याय ही है। समझ में आ गया? क्या बात है, इसको दिक्कत आ रही है, इसको लाइट ठीक है इसकी? चलूं आगे? चलूं आगे पढ़ो। न्याय करना नहीं है वह तो हो ही रहा है, बस समझना ही है। अतः सतर्कता पूर्वक गुप्त रहकर सूक्ष्म उपयोग से आगे करो बेटे, थोड़ा और ऊपर करिए। करे हाँ, सूक्ष्म उपयोग से खोजबीन करके मंथन द्वारा वस्तु स्वरूप की समझ के आधार से न्याय प्रकट होता है। एक बात बोलूंगा आपको, मजा आएगा आपको। कोर्ट में तो ये लिखा है, दो पक्ष लिखा है, दो पक्ष। अन्याय कहने पर दो पार्टी दिखती है, एक अन्याय करने वाली और एक अन्याय सहने वाली, दो पार्टी होती कि नहीं? या लेकिन कमाल की बात है, पढ़ेंगे अपन क्या लिखता है। देखो, आत्मा में द्रव गुण में अन्याय होता नहीं,
लेकिन पर्याय स्वयं दोषारोपण करके राग द्वेष करके अपने साथ अन्याय करती है। जैसा ए दो द्रव्य बीच मुकदमा नहीं चल रहा, दो द्रव्य बीच मुकदमा नहीं चल रहा, पर्याय खुद ही दोषारोपण करके है। जैसे ध्यान से सुनना, आप ही लोगों से कह रहे पंडित जी हमें तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पंडित जी हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे में कुछ ज्ञान नहीं, श्लोक नहीं, दर्शन नहीं, चारित नहीं, वीर नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। तुम गरीब आदमी हो कि आत्मा हो? तुम्हारे में कौन कौन गरीब आदमी है, हाथ खड़ा करो। है कोई गरीब आदमी? सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा। कैसे हो, कैसे हो तुम? सिद्ध भगवान के समान ही हूँ आत्मा। और फिर भी रो रहा बैठ गया। तो ये अन्याय कर रहा है, पर्याय स्वयं दोषारोपण करके अपना अन्याय कर रही है। अज्ञानी के अज्ञान में ही, बड़ी सुंदर लाइन, अज्ञानी के अज्ञान में ही, अज्ञानी के अज्ञान में ही अज्ञान जितना ही अन्याय है। कोई समझ आए इतनी देर में? पूरे विश्व में कहीं अन्याय नाम की चीज नहीं। किसी द्रव्य में अन्याय नहीं होता, किसी गुण में अन्याय नहीं होता, किसी पर्याय में अन्याय नहीं होती। अन्याय कहां हो रही? अज्ञानी के। दृष्टांत हूं इसके लिए, काय का दृष्टांत दे रहा हूं मैं? अज्ञानी के अज्ञान में अन्याय भाषित होता है। दृष्टांत देता हूं, दो दृष्टांत दूंगी, एक दू दो दे देता हूं। पहला दृष्टांत तुझे है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो मम्मी दो थप्पड़ मार रही है, तो अन्याय हुआ कि न्याय हुआ? न्याय हुआ। लेकिन बच्चे को लगता है जब देखो जब मेरी मम्मी बड़ी डांकन है, बड़ी दुष्ट है, जब देखो जब मेरी कांग्रेस का निशान बना देती है। बोलो ए खड़े हो जा, ऐसे ना कान पकड़ो, मुर्गा बन जा। ये अन्याय होता ही न्याय हुआ? हर लड़के में ऐसे ही लगता है, हम ही हूं खेचते जिनको कछु नहीं कहती। टीचर इनको कुछ नहीं बोलते, हम ही हमसे कहते। अरे भले आदमी, अज्ञानी को न्याय भी अन्याय भाषित होता है। दो दृष्टांत दोगे? एक बच्चे को पेट में कीड़े पड़ गए, कीड़े तो समझते हो, पेट में कीड़े पड़ जाते मीठी मीठी खाने से। अब खीर बनी, रसगुल्ला बनी, लड्डू बनी, अभी है ना ये रक्षाबंधन तो बने सर, तो मम्मी ने उसको कुछ नहीं दिया, उसको कुछ नहीं दिया, उसको करेले का रस। बेटा दिन भर करेले का रस पियो, चारों टाइम एक ही गिलास करेले का रस, और बाकी सबको खीर दी, मिठाई दी, लड्डू दिए, रसगुल्ले दिए। बोलो भैया मम्मी पक्षपात कर रही कि नहीं कर रही? बोलो भैया पक्षपात कर रही, बराबरी से बांटे सबको, एक एक रसगुल्ला सबके नाम। होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि अज्ञानी को ये अन्याय भाषित होगा, लेकिन वही बच्चा यदि समझदार होगा तो प्रसन्न हो जाएगा, मेरी माँ मेरा कितना ध्यान रख रही है। पॉइंट समझ आया? फिर से पढ़ो ये पंक्ति को, अज्ञानी के अज्ञान में ही अज्ञान जितना ही, बाकी अन्याय नाम की चीज दुनिया में। आगे देखो, परबल अर्थात शरीर, तन बल, धन बल, पुण्य बल और प्रभुता का बल। परबल में इतने मीनिंग किए पन्ने मिला, परबल मतलब बोलो तन बल, धन बल, पुण्य बल और प्रभुता का बल। में बड़प्पन एकत्र से अन्याय होता है, इनमें बड़प्पन मानने से अन्याय होता है, इनमें एकत्र करने से अन्याय होता है। अन्याय होता है मतलब दुखी होता है, अन्याय होता है मतलब, अन्याय होता है मतलब। देखो मैं करके दिखाता हूँ, बेटे खड़े हो जाने, हाँ डरना नहीं है, डरना नहीं। अब ये लड़का परबल, परबल माने तन बल, तन बल। अब ये तन में एकत्र कर रहा है, बड़प्पन मान रहा है, देख देख ऐसा कर रहा है, तो ये दुखी होगा कि सुखी होगा? अब जैसे कोई से ड्योड़ा आदमी मिल जाएगा तो ये दुखी हो जाएगा। अब किसी ने कह दिया, अरे वो पिद्दी, अरे वो दुबले, अरे वो कलुआ, बैठ जाए सो ये दुखी हो जाओ। हम काले हैं तो क्या हुआ, काले हुए तो क्या हुआ, नेमिनाथ भगवान भी हमारे कलर के थे, पारसनाथ तो भी कलर के थे, बड़े खुशी से कहो। लेकिन अज्ञानी दुखी होगा, जो तन बन में एकत ममत करेगा वो दुखी
आप में से कोई दुखी तो नहीं है? तो फिर ठीक है, दुखी नहीं है। और नहीं तो एक काम करना, बनियान उतार के शॉर्ट लेस होकर के और दर्पण में देखना, फिर गौर से देखना। यदि शरीर में ममत होगा ना तो आपको फौरन टेंशन हो जाएगी, यार सिक्स पैक कहां चले गए। फिर एक बार ऐसा करके देखना, जहां भी कुछ देखो है ही नहीं। जो शरीर में एकदम ममत करेगा वो दुखी होगा। दुखी होगा मतलब बे अन्याय होता है। अन्याय होता है का मतलब दुखी होता है। अन्याय का मतलब चलो और आगे बढ़ाओ बेटे। ये आगे अपना जो अपन पढ़ रहे थे, किसी के भी साथ कोई भी कहीं भी कभी भी कैसे भी अन्याय। विश्व में अन्याय का स्थान ही नहीं, कोई अन्याय कर ही नहीं सकता। आपको इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आता है मुझे इसमें। अन्याय होता ही नहीं विश्व में किसी के भी साथ। कोई भी माने द्रव्य, कहीं भी माने क्षेत्र, कभी भी माने काल, कैसे भी भाव, द्रव से क्षेत्र से काल से भाव से अन्याय कोई कर ही नहीं सकता। आगे समझ में आया? नरकों में पिटाई होती है तो न्याय होता है कि अन्याय होता है? न्याय होता है। अब देखिए समझ में आना चाहिए कि नरक में जाने पर न्याय होता है। मत जाओ नरक में, तुम्हें नहीं पिटना है तो ठीक है। आगे चले, अब अगला पॉइंट है न्याय के स्तर। बिल्कुल सरलता से पढ़ रहे हैं पर नींद तो नहीं आ रही। न्याय के स्तर, स्तर समय से स्तर लेवल। जब हम छोटी सी गलती करते हैं तो सबसे पहले मम्मी पापा सजा देती है। आप करके देखो, गाली देके देखो, पुड़िया खा के देखो, सबसे पहले मम्मी कभी ये एक मिला के गया पिट जो तो मम्मी सजा देती है। फिर और बड़ी गलती करो तो समाज सजा देती है। और भी बड़ी गलती करो तो राजा या सरकार, राज्य सरकार राजा, वो आपको दंड देगी। और बड़ी गलती करो तो राष्ट्र सरकार देगी। राष्ट्र कोई ले लेना इसमें। फिर मालूम और भी ब्लंडर मिस्टेक करो तो फिर देव सजा देते हैं। आपने देखा देव रक्षा के लिए आ जाते हैं तो देव आकर भी सजा दे देते हैं, दंड देते हैं, व्यंतर सजा दे देते हैं। कई लोगों में व्यंतर की बात आती है, समझते हो? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आ रही? हीरो ए कहां था? व्यंतर बाजा समझते हो? तुम्हारे गांव में व्यंतर होते हैं कि नहीं होते? भूत कौन कहलाते हो? पद्मावती धर्णेन हाँ 4000 राजाओं का आता है ना। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 ने दीक्षा ली और नंगे दिगंबर हो गए, पानी पीने लगे उसका और फल तोड़ तोड़ के खाने लगे। सब आ गए व्यंतर, देव आ गए देव। देखो जिन्हें जिन लिंग धारण करके ये काम मत कर। तुम कपड़े पहन लो, छाल लो, ओढ़ लो, जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन जिन लिंग धारण करके माने मुनि दशा में जी काम मत कर, ठीक है? तो देवों से मान लो देव भी सजा नहीं दे तो अपर लेवल कर्म, कर्म सजा देती है, प्रकृति सजा देती है, प्रकृति सजा देती है। ऐसी कितनी भी घटनाएं देख लो आप। एक माँ अपने बच्चे के साथ रेल के आगे कट गई और बच्चे को खरोंच भी नहीं आई, बच गया वो बीच में। एक बिल्डिंग गिरी, इतने लोग मर गए, 14 लोग, और दो बच्चे उसमें बिल्कुल बच गए। अब भी की घटना है, अभी एक कार के एक्सीडेंट हुआ, चकना चूर हो गई कार, चकना चूर, सब मर गए और बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। एक बार किसी को याद, एक हवाई जहाज गिरा था, हवाई जहाज हवाई पट्टी पर उतरते समय पूरा हवाई जहाज सब मर गए, लेकिन जिस स्थान से दो टुकड़े हुए उस हवाई जहाज के, दो टुकड़े, वहीं विंडो पर एक बच्चा बैठा था माँ की गोद में। वो बच्चा उछल करके खेत में हरी हरी घास, हरी हरी घास उसकी गट्ठर में जाके गिरा, उस बच्चे को खरोंच तक नहीं आई और माँ की सब मर गए। तो प्रकृति भी सजा देती है, प्रकृति सजा देती, समझ गए? भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, नाना प्रकार के अग्निकांड हो जाए, ये प्रकृति की सजा हो जाती। फिर आखिरी है मनुष्य कृत। मनुष्य कृत का मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को जितने जितने होते हैं, मनुष्य में ही आ गए सारे, माता पिता समाज राजा
लेकिन एक देश दूसरे देश को भी पनिश कर सकता है, आप बहुत बड़ा अपराध करो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पनिशमेंट मिलेगा। समझ में आ गया आपको इतनी बात? कोई कठिन तो नहीं है? आगे चले, चलो आगे बढ़े। फल, न्याय का फल क्या होगा? अनंत सुख अर्थात सिद्ध दशा। अन्याय का फल समझाने की जरूरत नहीं है, आगे देखिए। सार, सार क्या निकला इसमें? आत्महित में उपयोग लगाओ लगवाओ। क्या कर, क्या लिखा है? आत्महित में उपयोग लगाओ लगवाओ का क्या मतलब? हाँ, प्रवचन करते हो ना तो ये उपयोग लगवाते हो, पाठशाला लेते हो तो उनको न्याय के मार्ग में लगाते हो। आप क्या पढ़ते हो? बीतरा सर्व गीतंकर में आती कोई लाइन, न्याय मार्ग को ले। हाँ, ले क्या क्या फिर से पढ़ो, न्याय मार्ग को लेस लेस किंचित मात्र त्याग नहीं करें और वृद्धि करें निज पुण्य बल की आत्मबल, तन का बल की आत्मबल। वाह, मजा आ गया, कितना सुंदर। मतलब बीतरा की स्तुति में भी न्याय आ गया, इसका मतलब न्याय सर्वत्र है। ध्यान रखना, न्याय किताबों में कि ग्रंथों में? बोलो हीरो, बोलो, न्याय किताबों में है कि ग्रंथों में है? हैं? तुम सुन नहीं रहे इसीलिए तुमने ऐसा उत्तर दिया, सोना होता तो। बोलो बेटे, न्याय कहाँ है? सर्वत्र सर्वत्र, विश्व में कहीं अन्याय होता ही नहीं। ध्यान से सुना, न्याय कहाँ होता है? कोर्ट में कि घरों में? सर्वत्र, वेरी गुड। अब थोड़ा और आगे पढ़िए, थोड़ा और ऊपर करिए बेटे। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, इसको अभी समझा नहीं रहा हूं लेकिन समझाऊंगा। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, यदि तीनों सही हैं तो इज इक्वल टू प्रमिति। प्रमिति समझते हो? प्रमिति माने रिजल्ट, प्रमिति माने फल, प्रमिति माने फल। तो प्रमिति कैसी होगी? सुख, सुख उत्पन्न होगा, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, ये प्रमिति। बराबर, आगे चलिए। कोर्ट में संविधान होता है, यहां कैसा संविधान होता है? जब भी न्याय होता है ना, न्याय तो कोर्ट होता है, आपने देखा वो कोर्ट होते हैं, वकील होते हैं, जज होता है, होते हैं, और एक संविधान भी होता है। तो आइए अपन देखते हैं अपने क्या है। जैन न्याय में कोर्ट क्या है, कौन मुकदमा चला रहा है, कौन डिसीजन दे रहा है, ये देखेंगे। लोग में न्याय लेने जाए तो कितनी पार्टी चाहिए? मुकदमा चलाने वाला एक जज पे चला रहे हैं, एक जज, वकील होते हैं और संविधान होता है। तो यहां देखो क्या क्या होता है। सुखी होने के लिए अवश्य जाने, क्या जाने करो बेटे, थोड़ा और ऊपर बिल्कुल। जैन संविधान के प्रसंग में जानने योग्य बातें, जैन संविधान समझ गए आप? जैन संविधान कहां है? जैन शासन इस संविधान है। शासन क्या होता है कौन बताएगा? जैन शासन इस संविधान है। शासन क्या होता है? वीर शासन जयंती थी ना, वीर शासन जयंती, तो शासन का क्या मतलब होता है? बोलो बेटे जोर से बोलो, हम समझ नहीं आ रहा। अब ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। शासन इज इक्वल टू दिव्य ध्वनि, शासन माने उपदेश। वीर शासन जयंती, कोई बताएगा वीर शासन जयंती के दिन क्या हुआ था? दिव्य ध्वनि गिरी थी। वीर शासन जयंती का क्या मतलब? जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरी, तो शासन का मतलब क्या हो गया? दिव्य ध्वनि। शासन का क्या मतलब हो गया? दिव्य ध्वनि हो या उपदेश। तो ये जो हमारी समय सार आदि है ना, ये संविधान है। क्या है? संविधान को सन्निविच्छेद करो, सम्यक विधान। विधानसभा होती है, विधानसभा, विधानसभा, तो ऐसे ये विधान होता है। विधान, विधान माने लेख, और सम्यक होता है वो, इसलिए उसका नाम है संविधान। तो जैन शासन इज इक्वल टू जैन संविधान, बराबर। तो जैन संविधान के प्रसंग में जानने योग्य बातें, देखो इसमें दो पक्ष होते हैं। अन्याय करने पर दो पार्टी दिखती है, एक अन्याय करने वाली और एक सहने वाली। आत्मा में द्रव गुण में अन्याय नहीं। जी फिर से रिपीट हो गया ना, अपने पढ़ लिया था इसको। करना बेटा थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर करो, इसको हटा देंगे अपन।
हाँ बस ये अपन लिख चुके पढ़ चुके हैं ना, ये फिर से आ गया डबल, कोई बात नहीं फिर नीचे चलो जी। वही तो हम कह रहे गड़बड़ क्या हुई, सुखी होने के लिए अवश्य जाने। अब इसको पढ़िए थोड़ा और ऊपर करो बेटे, अब बस इतनी पढ़ाई करके चलेंगे अपन। नींद तो नहीं आ रही पक्का, बोर तो नहीं हो रहे हो? एक बार फिर रिपीट करेंगे अपन फटाफट क्वेश्चन आंसर, तो आपको पक्का हो जाएगा, फिर लिख लेना बैठ करके, नहीं तो हम आपको पेपर दे देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नींद तो नहीं आ रही? देखो अपन चलते। अंतर का आधार एक शाश्वत संविधान या सर्वज्ञ शासन। शासन मतलब दिव्य ध्वनि, शासन मतलब दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि मतलब उपदेश। तो शाश्वत संविधान अर्थात सर्व भगवान का शासन, और उधर है लौकिक संविधान अल्पज्ञ मोहियों का शासन। तुम्हारे घर में जैन शासन चलता होगा तो सब सुखी होंगे, पर तुम्हारे घर में मोहियों का शासन चलता होगा, आपको पता है अपने घर में मोहियों का शासन कैसे चलता है? बताओ एक दृष्टांत देखिए, आप दोगे बोलो, मैं देता हूँ एक दृष्टांत। आपके मम्मी पापा दादा दादी रिश्तेदार एक भाषा बोलते हैं, हमरी मानो तो, समझ में आया, हमरी मानो तो, बेटा ये बाल हमने दूध में सफेद नहीं करे है, देखो कैसे बोलती, जैन धर्म है तो अच्छा, तो लगा लिया तो, जैन मोहियों का शासन। वैसे जैन धर्म है तो बढ़िया, सबको ब्रह्मचर्य लेना चाहिए, मुनि बनना चाहिए, लेकिन भैया हमने बाल धूप में सफेद नहीं करे, हमरी मानो तो अच्छे से शादी कर लो, कमाओ और खाओ, जे है मोहियों का शासन। तुम में से अभी कोई एक काम करो, घर फोन करके और हम ब्रह्मचर्य ले रहे, फिर देखो आप आ ए बेटा हमरी मानो, पंडित जी की मत सुनो, पंडित जी का है उन्हें अपनो घर उजाड़ दो और तुम्हारा घर उजाड़ देंगे। भावुक मत बनो बेटा, भावुक बनने से काम नहीं चलेगा, दुनिया ऐसी चलती है, ट्रेड यूनियन से घी निकलता है बेटा नंबर दो की कमाया करो, नंबर दो समझ गए, नीचे से ऊपर तक सेटिंग करो बेटा, ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, खाओ पियो ईमानदारी से, दाल रोटी भी नहीं मिलेगी खाने को, जी कौन सी खाता है तुम्हें, जी मोहियों का शासन। आइए अपन देखते हैं मोहियों का शासन। दो संविधान हो गए, एक तो लौकिक संविधान कानून और एक जैन संविधान, कैसा कैसा है देखिए। नंबर एक स्वभाव, स्वभाव ये अलिखित होता है, अकृत्रिम होता है, केवल ज्ञान गम्य होता है, और केवली भगवान के द्वारा ज्ञात है, केवली भगवान ने बनाया नहीं है, केवली भगवान ने जैन संविधान बताया है कि बनाया है, बताया है कि बनाया है, महावीर भगवान ने कानून पास नहीं किया, उन्होंने बताया है, इसलिए ज्ञात लिखा है। देखो समझ में आ गया सबको, अलिखित, अलिखित मैंने ये लिखा नहीं जाता, अनादि अनंत है, अभी नीचे आएगा, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, अग्नि से हाथ जलता है, ये है वस्तु स्वरूप, अग्नि से हाथ जलता है, भगवान ने जाना और बता दिया, भगवान ने ऐसा अलॉटमेंट नहीं किया, ये अग्नि तू जलाने का काम कर, शक्कर तू मीठा करने का काम कर, नमक तू खारा करने का काम कर, ऐसे किसी ने अलॉटमेंट नहीं किया, भगवान ने वस्तु का स्वरूप जाना और बताया। वेरी गुड, उधर कैसा है कानून लौकिक संविधान, लिखित है, कृत्रिम है, और उसका पालन करना ही धर्म है, उनका पालन करना उधर उनका धर्म है लोक में। अगला चलो नंबर दो प्रमाणिकता, ऊपर चली शाबाश प्रमाणिकता, और नीचे चली जी प्रमाणिकता, ये थोड़ा नीचे आ गया ना पेज आने से, प्रमाणिकता समझ गए, तो इसमें प्रमाणिकता कैसे होगी, सर्वज्ञ प्रमाण, बाबू भाई जी कहते थे अनंत ज्ञानियों का, अनंत ज्ञानियों का, उधर देखिए छद्मस्त प्रमाण, छद्मस्त प्रमाण सुने और एक अज्ञानी की, आपने देखा है कोर्ट में, एक कोर्ट ने कह दिया फांसी और दूसरी कोर्ट में गए तो बरी, दो दो जजों के दिमाग ही अलग अलग, और तीसरी कोर्ट में जाओ तो फिर फांसी
चौथे में जाओ तो फिर बारी, कोई कोई ठिकाना नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है जो मैं अभी आगे कहूंगा, कठिन तो नहीं लग रहा है, छदमस्त प्रमाण है। एक अज्ञानी के कितने मत है, आप ध्यान से सुनो, नींद तो नहीं आ रही, एक अज्ञानी के कितने मत अनंत। जैसे जैसे खुद ही अपन फैसला कर लेते हैं आज तो मंदिर जाएंगे, और थोड़ी देर बाद सोचे ध्यान देव कौन जाए, थोड़ी देर बाद पहले खुद ही सोच रहे सांस में पढ़ेंगे, और फिर लगता है कौन पढ़े, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, तीसरी बार लग रहा है कि नहीं कल सुबह पढ़ लेंगे। मैंने अपने मत बदलते चले जाते, ज्ञानियों के मत बदलते नहीं है। समझ में आ गया आपको, कठिन तो नहीं लग रहा है, आगे बढ़ जाऊं। चलो अगला अगला देखो, स्थिति माने शाश्वत है और जे सामयिक, सामयिक समझते हो, तात्कालिक बनाए जाते कानून। देश में जितने कानून बनाए जाते हैं वो तात्कालिक बनाए जाते हैं, जबकि जैन शासन का कानून कभी बदला जाता नहीं, शाश्वत है। वेरी गुड। अगला देखिए क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र है इसका, विश्व। जैन शासन कितना बड़ा है, विश्वव्यापी, और वो कैसा कानून है, स्थानीय, नगर, देश, अंतर्राष्ट्रीय। आपको पता है हर नगर का एक कानून अलग होता है, और फिर स्टेट के कानून अलग अलग होते हैं, और फिर देश का कानून अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ कानून ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, तो वे अलग अलग है। जबकि हमारा महावीर भगवान का शासन कैसा है, पूरे विश्व में अनचेंजेबल। हमारे महावीर भगवान का जो शासन है कभी बदलता नहीं है। आगे देखो, कलेवर माने स्ट्रक्चर। हाँ भाई, कौन कौन से संविधान में पढ़ना चाहिए, तो 11 अंग 14 पूर्व, ये हमारा कानून। आप चार अनियोग पढ़ो फिर दुखी हो जाओ तो कह देना, चार अनियोग पढ़ो ठीक। उस साइड देखिए क्या लिखा है, कलेवर, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, मानवीय, सामाजिक हित के लिए समर्पित सभी नियम। समाज के हित के लिए समर्पित है, आत्मा के हित के लिए नहीं, वहां आत्मा के हित की कोई बात नहीं है। तो इतनी बातें इसमें विचार की जाती हैं, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, मानवीय। चलिए आगे देखिए, और चढ़ा दीजिए ऊपर, वेरी गुड, और ऊपर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। संशोधन, संशोधन समझते हो, आपने देखा हो हर साल हर जो संसद बैठती है विधानसभा, इनमें कानून में संशोधन होते हैं। भैया जो तो बहुत पुराने हो गए, अब जमाना बदल गया, कानून बदलो, तो बदल देती। जैसे आजकल मोबाइल आ गए, तो पहले मोबाइल के अपराध नहीं थे, तो मोबाइल के कानून भी नहीं थे, अब मोबाइल के अपराध आ गए, इंटरनेट के अपराध आ गए, तो फिर कानून बदलना पड़ा, फिर वो कानून है। समझ में आ गया आपको, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना, जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में ना कोई नया अपराध होता है, और ना नया कानून होता है, और ना नई सजा होती है। इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया संविधान है, क्या बोल रहे हैं, इतना बढ़िया संविधान है, इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ बदल जाती है। देखो तो क्या होता है, संशोधन, द्रव्यानियोग परीक्षा प्रधान, शेष तीन आज्ञा प्रधान। तीन अनियोग कैसे हैं, इसकी चर्चा तो ज्यादा करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे, टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं कर रहे, लेकिन नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। जैसे पानी में अनंत जीव होते हैं, आलू में अनंत जीव होते हैं, आज्ञा से मानो, परीक्षा नहीं करना। 16 स्वर्ग होते हैं, आज्ञा से मानो, परीक्षा नहीं करना। लेकिन द्रव्यानियोग ऐसा है, 7 तत्व ऐसे हैं, 6 द्रव्य हैं, वो 7 तत्व ऐसे हैं, इनकी आपको परीक्षा करना चाहिए। बराबर, आगे देखो उधर क्या कह रहे हैं। अब नीचे देखो प्रभाव, एक और शब्द लिखा है असंशोधित, इसमें संशोधन संभव नहीं है। आगे देखो प्रभाव, वो सर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, संशोधन से संविधान का अभिप्राय नष्ट होने का भय, बताऊंगा अभी, है ना। और चलो प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अप्रभावी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बहुत सिंपल है। अग्नि गर्म होती है, कौन से काल में, कौन से काल में, पाकिस्तान में कैसी अग्नि है, अच्छा नहीं कोई बात, कोई बात नहीं, कौन से काल में, कौन से काल, क्षेत्र छोड़ो, कौन से काल में ठंडी होती है,
मुसलमान की शक्कर मीठी होती कि हिंदू की? कौन की? हाँ, तो इसमें अप्रभाव भी है, इसमें प्रभाव पड़ता नहीं। उधर देखो, अज्ञान से और बहुमत से प्रभावित हो जाता है। ये देखो बड़ी गड़बड़, अज्ञानियों के और बहुमत से वो प्रभावित हो जाता है। आपको मालूम कानून बनाते समय बहुमत चाहिए, तो बहुमत से यदि उल्टी बात चल जाए ना तो उल्टी बात कोई कानून बना देंगे। जैसे 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 आपको एक बात बता रहा हूं, जिसने एके 47 बनाया ना, AK-47 AK-46 कितनी नंबर, बहुत सारे नंबर है उसके, प्रमोट हो गई तो AK-56 हो गई। तो वो जिसने बनाई ना, वो परमाणु बम बनाए जिसने, उसे शांति का पुरस्कार दिया गया। जिसने परमाणु बम बनाया उसको नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। जी देखो आगे समझ में आपको, तो इनके कानून इतने खराब हैं कि उल्टे काम करने वालों को भी, समझ में आया आपको, हिंसा करने वालों को शांति का पुरस्कार मिल जाता है। आगे देखिए, परंपरा आदतें एवं सोच से प्रभावित हो जाता है। अगला देखिए, स्वतंत्रता द्रव गुण पर्याय की चरम स्वतंत्रता, समझ में आ रहा है कुछ ठीक, और बाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर ऊपर करो बेटे, विषय अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप, और उधर है कर्तावाद फल द्रव्य भाव मिथ्या, मैंने द्रव्य मिथ्या और भाव मिथ्या उसका फल होगा बराबर। मैंने लौकिक में जितना है वो कर्तावाद पर आधारित है, और हमारा जैन शासन कैसा है, अनिकांत पर, अकर्तावाद पर आधारित है। बहुत सुंदर शैली क्या है, स्यागवाद और प्रमाण और नय उनका है एकांत। एकांतवाद कैसे, वे लोग पर से ही सुख मानते हैं, पर से ही दुख मानते हैं, इसलिए एकांतवाद। चलो थोड़ा सा पॉइंट और, शासक कौन है यहाँ पर, एक शासक उपदेष्टा वर्तमान तीर्थंकर, और वहां पर अनंत शासक, हर स्टेट का अलग, हर नगर का अलग, हर देश का अलग। चलिए अपराध, अज्ञान और असंयम अपराध है, और उधर क्या है, अज्ञान असंयम और स्वेच्छाचारी परिणति। ये अगला पॉइंट पे मुझे ज्यादा बोलना है, थोड़ा और ऊपर करो बेटे, धोखा, धोखा समझिए, नींद आ रही है कि सबको, सुनोगे ध्यान से 2 मिनट के लिए, बहुत मस्त पॉइंट आया है, सभी लोग ध्यान से सुनना। धनपाल जी समझ में आ रहा है, पीछे नींद तो नहीं आ रही है किसी को, मैं देख नहीं रहा पीछे यार, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है तैयार। धोखा का मतलब है असंभव, जैन शासन में धोखा देना असंभव, ना तो रिश्वत लगती। और बताऊ एक बहुत अच्छी बात, कारमान बरगना ज्ञान नहीं उनमें, कारमान बरगना, कारमान बरगना समझ गए, सेना, सेना पकड़ने वाली, अरेस्ट करने वाली, अरेस्ट करने, उनमें ज्ञान नहीं है और तकनीक भी नहीं है, और फिर भी जिस समय आश्रय होता है उसी समय पकड़ लिया जाता है, जिस समय भिखारी भाव करते समय हो उसी समय अरेस्ट, उसी समय, देर नहीं लगती, धोखा नहीं चल सकता, धोखा मैंने रिश्वत नहीं दे सकते यार। उधर देखो जरा, संभव धोखा संभव है, अपराधी को नोबेल प्राइज मिल जाए, न्याय व्यवस्था यथा संभव, समझ आया आपको, नहीं समझ अभी भी नहीं, और बताता हूँ सुनो। देखो तुम अभी अपराध करो और हो सकता 25 साल तक अरेस्टिंग ना हो, इतने लोग रिश्वत खा रहे हैं, पकड़े क्यों नहीं जाते, कर्म जैसी व्यवस्था नहीं, तत्काल पकड़े जाएंगे, क्यों, हर आदमी अपराधी है और हर आदमी पे 10-10 आदमी सेना के रख दो पकड़ने के लिए, तो जितनी पब्लिक है ना 7 अरब कितनी है, 7 अरब तो कम से कम 14 अरब आदमी पुलिस चाहिए पड़ेगी, क्यों, 2 आदमी तो चाहिए पकड़ने के, एक को फिर जेल कहां बनाएंगे इतनी सारी, तो मुश्किल है, असंभव नहीं है संभव। और बोलूं थोड़ा सा आपको करनानियों की बात, एक आदमी ने 100 मर्डर किए तो विश्व की कोर्ट, जो तुम्हारी कोर्ट है, कितनी फांसी दे सकती हो, जो तो हमने आए, जब उसे 100 आदमी मारे तो 100 फांसी तो मिलना चाहिए कम से कम, लेकिन ये बेचारे इम्पॉसिबल, न्याय करना इम्पॉसिबल, एक फांसी देंगे। अब एक आदमी ने 1 करोड़ आदमियों को बचाया तो उसको कितना अवार्ड दे सकते हो आप,
नहीं दे सकते। इसका मतलब न्याय केवल जैन शासन में संभव है, उधर न्याय संभव। अब एक व्यक्ति ने परमाणु बम पटक दिया और लाखों लोग मर गए, तुम कितनी फांसी दोगे? एक एक से ज्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब है जैन शासन के सवाय न्याय कहीं हो सकता नहीं है। चलिए आगे चलते। संचालन, ये स्वयं संचालित है और वो, इसमें एक शब्द लिखा है तकनीकी आधारित संचालन। कमाल की बात है, इतनी तकनीकी है गवर्नमेंट के पास, टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाती, सजा नहीं दे पाती। बस अंतिम अंतिम पॉइंट है कर्तव्य। हाँ पढ़ो भाई, कर्तव्य समझकर दृष्टि। स्वाध्याय से सुखी हो जाओगे, स्वाश्रय से सुखी हो जाओगे, स्वाश्रय से सुखी होगे। पकड़ो जरा इस पॉइंट को। अभी भी बार बार ये बात चलती है कि अब भैया जैन धर्म पुराना हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, अब नया जमाना है, इसमें बदलना चाहिए, थोड़ा सा बदलना चाहिए। तो बहुत मीटिंग होती रहती है इसकी भी, 1982 में ही मीटिंग हुई थी कि अब नया संविधान बनना चाहिए, चढ़ना नहीं, नया बनना चाहिए, इसमें थोड़ा सा छूट देना चाहिए। जैसे आरओ का पानी पी लो उससे धर्म होगा, बोतल का पानी पियोगे तो स्वर्ग होगा, ये बोतल का पानी पियोगे तो चौथा स्वर्ग, वो आरओ का पियोगे तो छठा स्वर्ग। क्या करना चाहिए बोला? तो इसमें एक शब्द लिखा है समझ करके अपनी परिणति में संशोधन करें। जिन मांडी में संशोधन की गुंजाइश नहीं है, अपनी परिणति में संशोधन करें। आज तक जितने संशोधन किए गए कोई मानता नहीं उसको। सही बात तो यही है, स्वाध्याय करके हम सुधरे। बराबर। अगला सेवा और प्रभावना करना है आपको, तो अगला पॉइंट है सेवा और प्रभावना। सच्ची समझ से सेवा भी कर सकोगे और प्रभावना भी कर सकोगे। कौन की सेवा? जिन शासन की सेवा। कौन की सेवा? जैन धर्म की सेवा करना है, बीज लागी देव गुरु धर्म की सेवा करना है, तो सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कि स्वाध्याय करो और सच्ची समझ करो। कानून में प्रचार मात्र होगा। यहां समानता क्या है? ले लू दो मिनट, मैं दो पॉइंट बचे, दो तीन पॉइंट है। एक बहुत अच्छा समानता ध्वज, जैन धर्म का भी एक ध्वज है और भारत का भी एक ध्वज है। चिन्ह का अनादर करना अपराध है। अपने जैन प्रतीक है ना, जैन प्रतीक, उनका अनादर करना अपराध है, तो वहां भी अपराध है। बराबर। इसमें एक ही बात याद दिला रहा हूं आपको, सभी लोग अच्छे से बैठे बैठे, बस दो मिनट के लिए बैठ जाओ, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटे। उज्जैन ध्यान से सुनो। हाँ जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, काम की बात कहना मुझे। पूरे हिंदुस्तान में गलती होती है, वो आपको रोकनी है। जब भी ध्वज बदला जाता है तो पुराने ध्वज को यहां से गुड़ी माड़ी करके यहां से पटक देते, जी अनादर है। भारतीय ध्वज कहीं आपको सड़कों पर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कचरे में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, डस्टबिन में नहीं मिलेगा। लेकिन केसरी ध्वज को मैं कई बार देखता हूँ, लोग उतारते हैं ऐसे ऐसे करके छत पे पटक देंगे, कहीं भी खोज देंगे उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस ध्वज को उतार करके जला दीजिए आप, उसकी राख बना दीजिए, उसकी पर्याय बदल दीजिए, कहीं भी आप यूज कर दीजिए, खेतों में डाल दीजिए। लेकिन कभी भी ध्वज को यहाँ वहां धूल खाने को नहीं फेंकना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बराबर। आगे चले सिद्धि, इससे शाश्वत सुख होगा अर्थात मोह का क्षय होगा। और वहां क्या होगा? वहां प्रत्यक्ष दुख होगा, लौकिक अनुकूलता मिल सकती है। अब अंत में 19 भेद, और इसे वो पढ़ लीजिए अच्छे से। आध्यात्मिक उधर लिखा है जनतंत्र, बस बस तीर्थ समंत भद्र स्वामी, सर्व जीव समूह के लिए वर्ण जाति के भेद रहित वस्तुवादी आदेश नहीं उपदेश, आदेश नहीं है, महावीर भगवान का आदेश नहीं है, उपदेश है। बहिष्कार में नहीं, बहुत गजब है। आपको समझ में आया कुछ बहिष्कार और परिष्कार क्या होता है डॉक्टर? हाँ बहिष्कार और परिष्कार समझ में आया कुछ?
धनपाजी बहिष्कार और परिष्कार, जैसे अंजन चोर आ गया तो बहिष्कार नहीं करेंगे, उसने सुधार करके परिष्कार करेंगे। पॉइंट समझ में आया कुछ? माने आप कितना भी अपराध कर लो, जैन धर्म आपका बहिष्कार नहीं करेगा। समझ गए? कितना भी पाप कर लो, जैन धर्म आपको बहिष्कार नहीं करेगा। जाओ जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। नहीं, जैन धर्म कभी नहीं करेगा तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अनंत पाप करने वाले का भी परिष्कार किया जाएगा, माने सुधार किया जाएगा, लेकिन बहिष्कार नहीं करेगा। जियो और जियो। उधर देखो, संशोधन के कारण कितने ही घर परिवार समाज टूट जाती है, टूट रही है। नाते रिश्ते में प्रेम की बजाय खटास व रिश्तेदारों में झगड़े बढ़ रहे हैं। बस अंतिम पॉइंट समझा देता हूँ। मीनारी अच्छे बजे से थोड़ा, बस एक मिनट और, बस अब तो बस हो गई पूरी, छह पेज की कहानी हो गई पूरी, फास्ट पढ़ा दिया आपको मैंने। आप चाहो तो समझदार हो गए तो इसमें प्रवचन कर लोगे आराम से, और वीर शासन जयंती के दिन जे ही पढ़ा देना, पब्लिक खुश हो जाएगी। चलिए, क्या कहना है मुझे? ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि महिला फौरन कोर्ट में चली जाए तलाक, और फिर महिला भी दुखी तलाक ले गए और वो भी दुखी बेचारे, क्योंकि कानून मिला नहीं सकते हैं। तलाक तो करा सकते हैं, क्यों? मिलाने के लिए चाहिए ब्रेन वॉश, मिलाने के लिए चाहिए तर्क विज्ञान, जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। समझाया? कितने घर और परिवार टूट जाते हैं, नाते रिश्ते में प्रेम की बजाय खटास आ जाती है, रिश्तेदारों में झगड़े बढ़ रहे हैं, भाई भाई में ऐसे कानून बन गए, भाई भाई मुकदमे चल रहे। तो प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करें कि न्याय शास्त्र को पढ़े। समय हो गया आपका, हाँ अंतिम, बहुत बढ़िया अंतिम लाइन हो रही, सबसे नीचे लिखी, जरा पढ़ो जरा। खड़े होकर पढ़ने बेटे आप, हाँ खड़े होकर पढ़ो बेटे, जोर से पढ़ो। दोषों का विस्मरण नहीं, विसर्जन का उपाय करो। भाई यार आवाज तो बहुत फाइन है, जोरदार बैठ गए, बहुत अच्छा। समझ में आया दोषों का? अब इस पे इसे समझाने के लिए भी आधा घंटा चाहिए, एक लाइन है लेकिन बहुत काम किया। हम लोग प्राय करके दोषों को भुलाना चाहते, मिटाना नहीं चाहते। मिटाने में मेहनत लगती है और भुलाने में कुछ नहीं लगती। जैसे तुम्हें किसी ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्सा को मिटाने का उपाय नहीं करोगे तुम, तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, नमो बजी करने लगे। भिखारी भाव आ रहे हैं, अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, अनवांटेड, तो उसे मिटाने का उपाय नहीं करोगे, जाकर के भक्तावर पढ़ने लगोगे, उपवास करने लगोगे, कुछ और उपाय करने लगोगे, मन बदलने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करिए। इस न्याय मंदिर का पूरा सार अंतिम लाइन में आ गया, हम हाँ बोलो दोषों का माने दोषों को भुलाइए मत, मिटाइए। इसकी चर्चा पर बाद में करेंगे। जय श्री कृष्ण।